हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो मिक्स भाजी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, गाजर, बैंगन, सेम, आलू, यही सारी सब्ज़ियाँ मिक्स करके तो वही मैं दिखा रही हूँ, कोई रेसिपी ऐड नहीं की हूँ। सर्दियों में मज़े ही हैं, सारी सब्ज़ियाँ मिलती हैं, तो मिक्स भाजी जो भी आप बनाना चाहें सब बना सकते हैं। ताज़े सब्ज़ियाँ की टेस्ट भाजी की अलग ही होती है। तो अभी मैं इसको अच्छे से भूनने के बाद उसको बना दूंगी, वो बन गया है। अभी मैं पकौड़े बना रही हूँ, तो दाल के पकौड़े हैं, सादे प्लेन वाले जो बच्चे खा लेंगे, आराम से खा लेते हैं, इसमें कोई मिर्ची उर्ची नहीं होती है। तो और भजिया बनाऊंगी पत्ता गोभी का, दोनों हैं तो मैं बना के हस्बैंड जी को दे दूँगी खाने के लिए, तो वो चले जाएँगे। उसके बाद से दिन में जो सारे काम होते हैं वो सब स्टार्ट करेंगे। तो मैं ट्राई करती हूँ डेली ब्लॉगिंग करने का, डेली मतलब आप लोगों को डेली का अपडेट दे सकूँ, पर हो नहीं पाता है, काफ़ी मुश्किल है। तीन तीन बच्चे हैं मेरे, तो बहुत ही मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करना, इसीलिए वीडियो बहुत ही लेट लेट जाता है। दो तीन दिन पहले का वीडियो रहता है, वही वही मैं डालती हूँ। तो इसीलिए मैं ट्राई करूँगी कि डेली मैं अपडेट दे सकूँ। तो अभी ये बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, हस्बैंड जी जा चुके हैं अपने काम पे, तो वही सब अब हम लोग के दिन भर छोटे मोटे काम में ही सारे दिन निकल जाते, पता ही नहीं चलता है। और बच्चे हैं तो आज अच्छी सी धूप हुई है, तो इसीलिए हम लोग धूप में ही, यहाँ मेरे बालकोनी से अच्छे खासे धूप आ जाते हैं तो हम लोग यही नीचे बैठ जाते हैं। और बस उधर बिरयानी किचन में बन ही रहा है, तो सेट करूँगी तो आप लोग को दिखा दूँगी। तो ये देखिए बिरयानी मैं सेट कर दी हूँ, तो थोड़ा गणतंत्र दिवस थी, रिपब्लिक डे, तो इसीलिए मैं ऐसे थोड़ा सा बना दी हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाना था मुझे। तो वो सब बिरयानी बिरयानी भेजने के बाद तो बिरयानी चला गया अभी दुकान पे। तो अभी हम लोग, मेरे छोटे वाले देवर, मेरी देवरानी और मैं, तीनों लूडो खेल रहे हैं। खेलते खेलते शाम भी कर देते हैं हम लोग, 4 बजा देते हैं, 5 बज जाता है तो पता ही नहीं चलता वक्त का। ये सब हो जाने के बाद, अभी खेलने के बाद अभी मैं किचन में जाऊंगी, किचन में भी काम रहते, छोटे मोटे बहुत सारे काम रहते हैं, वो करते करते सारा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और गाइस, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिए कि मैं भी कुछ कर सकूं, आगे बढ़ूं, तो अच्छी अच्छी मैं भी वीडियो लाऊंगी आप लोग के लिए, आप लोग मेरे हौसले को बढ़ाएं। एक लाइक करने से कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, फिर इसके बाद चलेंगे किचन में। किचन में आ गई हूँ, ये मिर्चे आए हैं तो जिसको मैं अच्छे से धुल देती हूँ, धुलने के बाद स्ट्रेनर में रख देती हूँ, पानी सारा सूख जाता है। उसके बाद मैं डंडे को तोड़ के डब्बे में डाल के और फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ, इससे हरी मिर्ची जो है ज़्यादा दिन तक टिका रहता है, 10-15 दिन तक आराम से आपका मिर्ची चलेगा। और धुलने से यही होता है कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ता है, मतलब कुछ भी मैं डालना है तो फटाक से निकाल के आप लोग डाल दिए, फिर धुलने का ज़रूरत नहीं पड़ता। इसीलिए मैं सारी सब्ज़ियों को धुल के, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, ये सब मैं अक्सर धुल के ही रखती हूँ फ्रिज में कि फटाफट निकाल के यूज़ कर ली हैं। तो ऐसे टाइम का बचत, थोड़ा थोड़ा हम करके रखेंगे तो टाइम का बचत हो जाता है। तो चलिए इसको फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर सूजी जो होता है उसको मैं भून के अच्छे से भूज देती हूँ और उसको मैं, उसको भी डब्बे में डाल के ठंडा करके स्टोर कर दूँगी। तो ऐसे छोटे मोटे मैं काम करते ही रहती हूँ, पूरा दिन कुछ ना कुछ करते ही रहती हूँ। तो अभी मैं इसको अच्छे से भूजने के बाद
तो मैं इंडक्शन पे ही यूज़ कर लेती हूँ, छोटे छोटे जो काम होते हैं तो इस पे ही मैं कर लेती हूँ कि मेरी गैस की भी बचत हो जाती है। अभी हमारा दही भी जम चुका है, तो वही मैं चेक कर रही हूँ जमा है या नहीं, तो आप लोग को भी दिखा देती हूँ। तो हमारा दही बिल्कुल सेट हो चुका है, तो देखिए कितने अच्छे से क्रीमी टेक्सचर में दही जम गया। तो ऐसे ही 4 घंटे में, मैं आपको इसकी वीडियो बता चुकी हूँ, 4 घंटे में दही जमा है। तो ये भी हो गया है, बाकी शाम हो चुका है, बिल्कुल 7 बज गया लगभग। तो ये देवरानी बनाई थी, मेरी देवरानी हैं जो, वही नीचे से भेजी हैं, मटर पुलाव है। तो यही बच्चे जो हैं खा रहे, इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ। तो उसके बाद मैं चलूँगी किचन में, बहुत सारे काम हैं। वो अभी मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी, तो इसीलिए एडिटिंग करती हूँ, तो 7:30 बज जाता है मेरा। उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ, तो ही सारे काम फिर रात के मैं करती हूँ, तो काफ़ी लेट मुझे हो जाता है। तो 2-2.5 घंटा 3 घंटा तो वीडियो एडिटिंग में लग ही जाता है, आप लोग को पता ही है, जो वीडियो बनाते हैं उनको अच्छी तरह से पता है। तो आज मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, मतलब सूखी वाली सब्ज़ी, और प्याज और ग्रीन चिली के पराठे जो होते हैं, प्याज के पराठे, वही मैं बनाने वाली हूँ। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं, बस बता दे रही हूँ। और बाकी सारे बर्तन पड़े हुए हैं, ये सब धुलना है, तो काम काफ़ी ज़्यादा। अभी मैं एडिटिंग करके आई थी, तो सब हो जाने के बाद अभी रात के 11:30 बज रहा है, रात हो गया बिल्कुल। खाना पीना हमारा हो चुका है, हस्बैंड जी आ चुके हैं, तो वही लेके आए हैं रात में। तो अभी मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ क्या क्या लाए हैं। तो हस्बैंड जी का खाना मैं लगा दी हूँ, वो अपना खा रहे हैं, तो सोची मैं जब तक थोड़ी सी एक क्लिप, मैं अभी सामान कुछ निकालना है, तो सोची आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी, एक वीडियो भी मेरा बन जाएगा। तो ये सब सॉस वॉस जो होता है, वही सब जो ख़त्म हो गया था मेरा, ग्रीन चिली सॉस है, ये सब ख़त्म हो चुके थे, सारे सॉस जो मेरे थे सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो वही जो जो ख़त्म हुए हैं, ये विनेगर है, तो वही सब मैं मंगाई हूँ, बाकी सारे जो मसाले वसाले वो सब कुछ है, जो चीज़ नहीं थे बस वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये सोया सॉस है, ये पास्ता है, तो ऐसे ही रात दिन करके एक करके वीडियो बनाते हैं, घर का काम भी करते हैं। ये सब दालें हैं, मसूर दाल जो तुअर दाल होता है वो, और रहर का दाल, ये मूंग दाल, ये तीनों दाल मैं मिक्स करके ही दाल बनाती हूँ, अच्छा होता है। 3 या 4-5 जितने दालें मिक्स है आप मिक्स कर दीजिए। ये सेवैयाँ हैं, तो ये छोटे छोटे पैकेट हैं, तो इजी रहता है, एक पैकेट एक बार में बना लेती हूँ। ये कॉर्नफ्लोर है आपका, ये मिक्स फ्रूट जैम जो होता है वही है, 1 get 1 मिल रहा था तो ये भी ले लिए हैं। तो ये सारी शॉपिंग जो है वीडियो कॉलिंग पे हमारी हो जाती है, तो ये सब उदाना है। जो सामान ख़त्म हो गया था वही सब है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सॉल्ट है एक पैकेट, और पहले का एक पैकेट है तो इसीलिए। ये केचप है, तो बच्चे काफ़ी पसंद से खाते हैं, तो इस बार बड़ा वाला ही मंगा ली हूँ। साइड से जो आवाज़ आ रही है, एडिटिंग मैं सुबह में कर रही हूँ इसीलिए वो सब आवाज़ आ रही है। काफ़ी पसंद है, छोटी वाली जो मेरी बेटी है वो बहुत खाती है उसको, टोमेटो केचप को, तो इसीलिए। और ये बासमती चावल है, तो 2 kg चावल है ये। और ये शक्कर है, देखिए इसका पैकेट थोड़ा फटा भी था, वो सब सारे सामान की वजह से शायद फट गया होगा। तो ये सब शक्कर है, बाकी अब कुछ नहीं है, हो गया इतना ही सारा सामान था। और ये बेसन है, तो बेसन भी यूज़ में आ जाता है कभी झटपट कुछ बनाना। बाकी तो मैं दाल भिंगा के तभी पकौड़े भजिया जो भी बनाना रहता है मैं बनाती हूँ।
कभी कभी बना लेती हूँ। तो ये बिस्किट है, नारियल का जो पाउडर का बिस्किट होता है वो मुझे पसंद है, तो वो भी वहीं से लाए हैं। तो मिठाई का एक छोटा सा पैकेट है, स्वीट है उसमें, और कुछ नहीं है, बस ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, यही दोनों बस, और कुछ नहीं, बस इनफ डन, ख़त्म हो गया। अब इतना ही सारी शॉपिंग हुई है, जो घर में नहीं था बस वही सब है और कुछ नहीं है। और बाकी कांदा बटाटा जो मतलब आलू प्याज वही है और बस। तो आप लोग को मेरी वीडियो, मेरी ग्रोसरी शॉपिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है, नहीं लगती है, जो भी सजेशन हो आप लोग दें हमें। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही हम सब लोग मेहनत करते हैं, जो भी वीडियो पे सब मेहनत करते हैं। तो वो हो गया, ये वीडियो शूट हो चुकी है, यहाँ पे आलू प्याज है वही मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो दालें वाले हैं ख़त्म हो चुकी है तो वो मैं डब्बे में डाल उल के स्टोर कर दूँगी अभी रात को ही। तो रात में ही काफ़ी सारा मैं काम करके रखती हूँ कि मुझे सुबह आराम रहे। तो वही ये घर संसार यहाँ पर है, वहीं का है ये। तो आप लोग भी स्वीट खा लो, तो मेरे बेटे को मैं खिलाती हूँ, उन्हें बहुत पसंद है, मेरे बेटे और मेरी छोटी वाली बेटी, वो दोनों को स्वीट बहुत ही पसंद है। तो गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।